तो भैया हम लोग निकल चुके हैं द्वाराहाट से। द्वाराहाट से हम लोग का आज का जो प्लान है वो जाना है हमने यहाँ से ऊखीमठ। ऊखीमठ या कोई सारी विलेज चढ़ के पड़ता है यहाँ आपके रुद्रप्रयाग के पास। तो आज हम लोग निकल रहे हैं वहाँ पे। कल हम लोग आए थे तीन लोग, रात को पहुंचे थे 12 बजे द्वाराहाट। आगे वाला ब्लॉग देखा नहीं आपने तो नाइट की राइड हमारी, तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया होगा। और हम लोग तीन अलग अलग बाइक पे आए थे। अभी क्या है कि हम लोग अब दो बाइक में तीन लोग जा रहे हैं। सबका सामान मैंने अपनी बाइक में बांध लिया, बाकी वो दो लोग खाली ऐसे ही खाली निकल रहे हैं, मतलब बैठे हुए हैं, और बाइक पे दो जने एक बाइक पे। सो हेलो गाइस, दिस इज आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि व्लॉग्स। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज निकल रहे हैं ऊखीमठ। ये देखिए चौखुटिया 16 किलोमीटर है, जालीखान 8 किलोमीटर, मतलब चौखुटिया पहले पड़ेगा हम लोग को, यहाँ नीचे आना है। चौखुटिया होते हुए रास्ता निकलेगा पहले कर्णप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग से कहीं एक रास्ता कट जाएगा रुद्रप्रयाग को। अभी देखते हैं, मेरे को पता नहीं है, जोशीमठ तो मैं गया हूँ लेकिन रुद्रप्रयाग को कभी गया नहीं। आज मैं पहली बार उस रास्ते पर जा रहा हूँ। मस्त खेती हो रही है चारों ओर, पूरे सरसों के खेत है यहाँ पे। ये है चौखुटिया। चौखुटिया पहुंच चुके हैं भाई साहब। दोनों की हालत होगी गंभीर बहुत, कमर टेढ़ी होगी बोल रहे हैं। खाली खाली ही नहीं कह रहे, अपनी हालत दिखाओ। मेरी हालत तो सही है। अभी हम रुके हैं पंडुआ खाल में। पंडुआ खाल में क्या बीच रोड में, मतलब पंडुआ खाल से पहले एक छोटा ढाबा है, यहाँ पर चाय आई पी हमने। अब यहाँ से करीब हमको डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी, करीब 120 किलोमीटर और होगी। और अभी बज गए हैं सुबह के 11। तो पंडुआ खाल में हम लोग रुके थे, अभी करीब 35 किलोमीटर पीछे रह गया। उसके बाद महल चौरी और गैरसैन पार करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं दिवाली घाट। गैरसैन का मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और एक ट्रक ने पूरा जाम लगा के रखा था मार्केट में, और मुझे आगे चल रहा था और बहुत हल्के हल्के। तो अभी थोड़ी थकान महसूस हो रही है, तो दिवाली खाल पे पहुंच के करते हैं कुछ चाय आए पीते हैं, फिर देखेंगे उससे आगे का रास्ता कैसा है। लेकिन यहाँ बहुत ठंडा है, यहाँ के जो सामने पहाड़ हैं उन सब पे अभी भी बर्फ़ जमी हुई है, अभी भी बर्फ़ पिघली नहीं हुई है। जो सामने वाला पहाड़ था अभी यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, क्या था अगले वाले मोड़ से दिखाई दे तो उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। पहुँच गए हम दिवाली खाल, तो यहीं पर करेंगे, सामने वाला पहाड़ है बिल्कुल। तो यहीं रुकते हैं कुछ देर। देखिए यहाँ से कर्णप्रयाग अभी 36 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 162 किलोमीटर। तो यहाँ रुक के चाय पीते हैं।
कर्णप्रयाग किस किलोमीटर पौड़ी यहाँ से जा सकते हैं 132 किलोमीटर, नोटी गांव, जहाँ से नोटी गांव बहुत फेमस है, नोटी गांव से ही होती है स्टार्ट वो यात्रा आपके जो नंदा देवी महा नंदा देवी की राज यात्रा होती है वो नोटी गांव से स्टार्ट होती है। जो चौसिंगिया खाड़ू होता है वो भी उसी गांव में जन्म लेता है और नोटी गांव में नोटियाल लोग रहते हैं, सबसे गढ़वाल में कास्ट चलती है नोटियाल, तो नोटी गांव के होते हैं नोटी गांव। तो आदि बद्री पहुंच चुके हैं, पंच बद्री में से एक बद्री तो यहाँ पर है आदि बद्री, यह है उसका टेम्पल आदि बद्री का। और आदि बद्री के बारे में बोला जाता है थपलियाल गांव है वहाँ के, नहीं हाँ थपलियाल गांव नहीं पता नहीं, थपलियाल कास्ट के लोग इसके पुजारी होते हैं, थपलियाल कास्ट के लोग यहाँ इसके पुजारी होते हैं आदि बद्री के, ये सब मैंने पढ़ा है किसी किताब में, जैसे मतलब इधर गढ़वाल का इतिहास है या कुमाऊँ का इतिहास है, इसमें सब कुछ वर्णन रहता है इस चीज़ का। अभी कर्णप्रयाग 19 किलोमीटर है, बद्रीनाथ 144 किलोमीटर है। बद्रीनाथ तो आजकल बंद रहता है क्योंकि विंटर है, वो खुलेगा वो अप्रैल या मई में। यार रोज लोग रोड पे गाड़ी खड़ी करके बात करने लगाते हैं। तो ऐसी है रोड बड़ी कंजेस्टेड है ना, रोड का बड़ी कंजेस्टेड है, उसकी वजह से क्या है कि कोई भी अगर बंदा गाड़ी बीच में रोक खड़ा रहता है तो पूरा जाम हो जाता है। इस चक्कर में हमको लेट हो गया, अभी तक हम लोगों ने पहुंचाना चाहिए था कर्णप्रयाग 1 बजे के हिसाब से, लेकिन अभी हम 19 किलोमीटर पीछे हैं वो भी सिर्फ इस ट्रैफिक की वजह से। वैसे उसमें ट्रैफिक नहीं है लेकिन जहाँ जहाँ मार्केट है वहाँ वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। पहाड़ों में मुर्गी सप्लाई ऐसे होती है, मुर्गी के बच्चे लेके लेके भाई इसमें जा रहा है और मेरा इतना सामान है मेरे पास भी, भाई ने बना सही जुगाड़ रखा है। देखो कुछ मतलब हम लोगों ने कुछ इन लोगों से भी सीखना चाहिए। अभी मैंने बीच में कहीं कुर्सी वाले देखे थे, बहुत सारी कुर्सी लेके जा रहे थे और ये तो तुम्हारी मुर्गियाँ लेके आ रहा बाइक में। यार बाइक कौन सी है देखें एक बार, देखो प्लेटिना है, प्लेटिना में इतना लोड लेके भाई ले जा रहा है मुर्गियाँ। खाना मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी हम रुके हैं शिवली में लंच करने के लिए। क्या है बेटा? क्या है बेटा? खाएंगे दाल भात मछली। तो मैं और दिवस खा रहे हैं दाल चावल और ये खा रहा है मछली भात। ये अपना नॉन वेज ही खाते रहेगा जिंदगी में, जहाँ जाता है नॉन वेज देखते ही इसके मुंह में लाल चावल टपक मिल जाती है। आदि मतलब आदि दुनिया के मुर्गे और मछली नहीं खा रही थी मेरा समझता। तो यह है पूरा कर्णप्रयाग शहर, वो सामने आप देखिए ये है जो संगम है अलकनंदा नदी और पिंड नदी का, सामने जो आप देख रहे हैं। और ये जो नीचे ब्रिज आप देख रहे हैं उस ब्रिज से जो ऊपर की रोड चलेगी वो चलेगी जोशीमठ और बद्रीनाथ की ओर को।
अभी हम बाईपास रोड से आए हैं, इसी रोड से हम लोग श्रीनगर रुद्रप्रयाग देवप्रयाग वाले रास्ते पर इसी के रास्ते पर निकल जाएंगे। यहाँ जो रोड की कंडीशन है बहुत जबरदस्त है भाई साहब, जो टॉप स्पीड मिल रही है इस रोड पे, कहीं कहीं बीच पे मोड़ पे कोई रास्ता खराब जा रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट रोड बड़ी जबरदस्त है। चार धाम यात्रा वाली रोड है, आप देख लो कितनी यहाँ चौड़ी है। अभी मेरे आगे एक ये साइड से एक ट्रक जा रहा है और इस साइड से भी जाता है एक ट्रक आराम से जा सकता है, वरना पहले जो ये रोड की कंडीशन थी इसमें क्या होता था कि थोड़ा प्रॉब्लम थी पास लेने में। और फिलहाल अभी हम हैं गौचर में, गौचर जो पड़ता है कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में, एक छोटा सा कस्बा है, तो फिलहाल अभी हम वहाँ पे। क्या नज़ारा है यार, मज़ा आ गया। नीचे देखो कितने प्यारे प्यारे खेत लगे गाँव में, और रोड बिल्कुल ऑसम। और देखिए इस यहाँ पर से केदारनाथ 112 किलोमीटर है, लदौली 17 किलोमीटर, बीना 9 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग 18 किलोमीटर। बाइक चलाने में बहुत, रोड की कंडीशन होगी बहुत खराब, देखो कह काम चल रहा है। और वह रोड के ऊपर जाल बिछा रहे हैं लोग, पहले कट्टे डाल रखे हैं उसके ऊपर जाल बिछाएंगे ताकि ये रोड आने वाले दिनों में नीचे गिरे ना। यहाँ पर चल रही है जेसीबी की खुदाई। अभी बड़ी खतरनाक रोड है भाई, अभी तो ऐसी है ना हालत खराब वाली रोड, इतना गाड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है स्किड। अभी तो रोड सही और थी, ऐसा आगे और अच्छी हो, कुछ जोन में काम चल रहा है। तो भैया पहुंच गए हम रुद्रप्रयाग, थोड़ा रोड की कंडीशन बीच में थोड़ी कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, तो हमको बज गए हैं करीब शाम के 3:45 और क्या शाम के 4:00। ये सामने बैरी है अलकनंदा और ये रोड बड़ी कंजेस्टेड है, ट्रैफिक भी बहुत है इस रोड पे। वो सामने है पूरा रुद्रप्रयाग शहर, पता नहीं कैमरा आइडेंटिफाई कर रहा नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस साइड से अभी सन भी दिखाई दे रहा है। मैं चलो उस साइड से जाके दिखाता हूँ आपको भी एक बार। और थोड़े रोड की कंडीशन ख़राब है यार, कुछ जगह पे शुरुआत में ठीक मिली रोड, उसके बाद तो यार हालत ख़राब हो गई है, पूरे उर्जे पुर्जे सब भर गए हैं शरीर के जितने होते हैं। 206 की 206 हड्डियाँ कर दी है वाइब्रेट फिलहाल। अभी यहाँ कहीं चाय पीते हैं, उसके बाद जानते हैं यहाँ से उखीमठ का रास्ता किससे पूछना पड़ेगा। तो रुद्रप्रयाग से करीब 25 किलोमीटर है चौपता की डिस्टेंस, और उखीमठ के बारे में कहीं लिखा था नहीं, और रुद्रप्रयाग एक पंच प्रयाग में से चौथा प्रयाग है। पहला आपका हो गया विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, इसके बाद देवप्रयाग आएगा। तो ये नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा दोनों नदी का यहाँ पर होता है संगम। तो यही रास्ता जा रहा है केदारनाथ की ओर को भी, 87 किलोमीटर केदारनाथ है, गुप्तकाशी 40 किलोमीटर, अगस्त 13 किलोमीटर और फाटा 53 किलोमीटर। और रोड की कंडीशन है वो बड़ी सही है अभी फिलहाल। मैं कुछ ज़्यादा खुश होता हूँ, फिर उसके बाद ऐसा होता है कि मेरे साथ फिर रोड आती है वैसे खराब। और अभी बज गए हैं शाम के 4:05 हो गए, हमने एक चाय पी थी रुद्रप्रयाग में और फिर चाय पी के तुरंत निकल गए थे, क्योंकि हमको जल्दी टाइम पे पहुँचना है, अंधेरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी होटल लेने में, क्योंकि होटल भी ढूंढने पड़ेंगे वहाँ पर।
जेसीबी की खुदाई ने आज रात लगा दी। अभी मैं 11वीं बार रुका हूँ और इसकी वजह से हो गए हम लोग करीब 4-5 घंटे लेट। नहीं जाने कैसे कैसे रास्ते मैं पहुंच गया रास्तों। ये देखो आप बिल्कुल ऐसे रोलर कोस्टर चला रहा हूँ मैं, रोलर कोस्टर। ये रोलर कोस्टर पे गाड़ी चल रही है फर्स्ट क्लास। अरे भयंकर रोलर कोस्टर ही हो गया। अब तो नदी के किनारे ही पहुंच गए हम सीधे। थोड़ा टाइम पे आए हुए थे, अभी नदी में थोड़ा अटके लिया खेल लेते, लेकिन थोड़ा टाइम भी ज़्यादा हो गया। और चारों तरफ जेसीबी लग रही है, जेसीबी ही जेसीबी है। और जेसीबी देख देख के मन ही उब गया है, मन कर रहा है कि जेसीबी ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। अरे भयंकर, ये तो बहुत भयंकर स्टीप है यार। इनको आने दूंगा पहले, गलत गाड़ी से डाल दी भैया। देखो इसको थोड़ा, हाँ एक तो किनारा में को पाँव हाथ सही है। अब चलो तुम इधर को आओ, थोड़ा रास्ता दो भाई। अस्थाई मोड़ लिखा था यहाँ पे, अस्थाई मोड़ ऐसा होता है, अस्थाई मोड़ देगा। और रास्ता देख लो अब कैसा है। अरे भगवान, फिर से तो जेसीबी लगी कहीं। देखो वो ऊपर लग रही है एक जेसीबी, वो तीन नीचे। वाट लगा दी जिंदगी की इन्होंने। केदारनाथ का रास्ता है भैया, अब पता नहीं चौपटा रास्ता जाने कहाँ से जाएगा। ऊखीमठ भी कहीं लिखा नहीं है अभी तक, फिलहाल कहीं देखा नहीं। अगस्त मुनि पीछे चला गया अभी कुछ देर पहले। सीटी बजा रहा हो क्या, जल्दी जल्दी आओ भैया, पहुंच गया, रुक जाओ। अब करते रहो आप अपनी, यहाँ पर तो ब्रेक नहीं मिला वरना तो आधे घंटे रुकना पड़ रहा है। तो भैया चौपता है यहाँ से 29 किलोमीटर, ऊखीमठ यहाँ से है 0.5 किलोमीटर, तुंगनाथ मंदिर 33 किलोमीटर, मधमेश्वर मंदिर 40 किलोमीटर इसी रूट पे। पहले हमको जाना है ऊखीमठ के मार्केट में, ताकि यहाँ से हम कुछ दवाइयाँ ले लें। ऊखीमठ तो हम लोग पहुँच गए, लेकिन हमने डिसाइड किया हुआ कि ये चौपता तुंगनाथ वाला जो रास्ता है इसमें कोई विलेज पड़ता है सारी विलेज, उसी के आसपास एक होटल वाले से हमने बात की हुई है, तो हम उस वहीं जा रहे हैं रहने के लिए अब फिलहाल। अभी पहले उसने लोकेशन भेज दी कि अभी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं वो लोग आगे, इसलिए मैं उनके पीछे पीछे उनको फॉलो कर रहा हूँ। और टाइम भी करीब 6:30 बज गए हैं शाम के, अंधेरा हो ही चुका है, ठंडा इतना बिकट है यहाँ, चारों ओर बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली हम लोग सी लेवल से अभी 3,000 मीटर तो ऊपर होंगे ही, क्योंकि यहाँ ठंडा बहुत है। पहले हम मार्केट गए थे तो एक्चुअली तो कुछ दवाइयाँ नहीं थी, सामने दिख रहा ना आपको, कैमरा शायद आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ लाइट जली हुई है ऊपर, वो मेरे ख्याल से पूरा चौपता वही है वहाँ, क्योंकि लाइट जली हुई है। तो अभी देखते हैं रास्ता आगे का और फिर देखते हैं कहानी क्या होती है। होटल पे पहुंच के बताते हैं पूरे दिन का सार आज का। पहुंच गए भैया हम सारी विलेज। यहाँ पे होटलों की तो कोई कमी नहीं है, इतने होटल तो नैनीताल में भी नहीं होंगे जितने यहाँ पे होंगे। मतलब देखो हर घर होम स्टे है और बड़े बड़े होटल हैं, और मतलब गांव में आबादी भी काफ़ी अच्छी है। इतनी दूर आ कि मुझे लगता नहीं था कि यहाँ पर कोई ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये इलाका जो है ये काफ़ी मतलब यहाँ पर पलायन उतना है नहीं ऐसा लग रहा देख के, क्योंकि जिस हिसाब से मकान है, घर है, लाइट वगैरह जली हुई है, आप खुद ही देखो कितने सारे। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पर पूरे वो हैं, यहाँ शायद कोई डेस्टिनेशन है शायद में कोई देवरिया ताल करके।
हम तो कन्फ्यूजन हो गए थे, होटल फर्स्ट व्यू करके जो ऊपर लिखा हुआ है ना, वो है हमारा होटल। तो भाई साहब रूम ले लिया हमने होटल फर्स्ट व्यू में, यहाँ सारी विलेज में। ये सारा सामान ऐसे बिखरा हुआ है, देखो इधर सारे बैग पड़े हुए हैं और इधर सारा ये मेरा सामान इधर। और हमारे दिवस जी बहुत ज्यादा थके हुए, मेरे को मुंह धोते हुए। कैसा लगा आज का एक्सपीरियंस आपको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपकी फटी बड़ी इज्जत थे फिर ना। सीधे बोलो, हमारे व्यूअर्स को चाहिए कि मतलब कि उनको कैसे कैसा कैसे तुम झलता की थी, जैसे भी की खुदाई देखी आपने। जेसीबी खुदाई देखने के लिए काफी अच्छा रास्ता है। अगर आपको जेसीबी खुदाई देखनी है तो ये मतलब रास्ता कर्णप्रयाग से लेके, आप आओ कर्णप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से आओ उखीमठ, तो आपको मिलेंगे करीब मतलब जेसीबी 50 जगह पे हम लोग रुके। और वेदर रोड का काम चल रहा था और इतनी बुरी कंडीशन थी कि मैं जानता हूँ, मैं अपनी शक्ल अभी दिखा नहीं रहा हूँ, अभी पहले मैं मुंह धोऊंगा उसका शक्ल दिखाऊंगा आपको, क्योंकि वो मेरा पूरा जैकेट सब कुछ सफेद हो चुका है और चेहरे में इतनी धूल है। पहले मुंह धोता हूँ फिर आपको मैं पूरी कहानी बता दूं उसके बाद। तो भैया अभी जोशी जी हमारे गए हैं वॉशरूम में, वो कह रहे थे मैं वीडियो में आऊंगा नहीं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका कोई मतलब वो नहीं होता है कि ऐसा, वो कहते कि मुझे शर्म आती है इटीसी दिवस अच्छा हमारे वो लगा रहे हैं क्रीम। तो यार आज मतलब ऐसा हिसाब किताब रहा, द्वाराहाट से निकले थे हम सुबह मॉर्निंग 10 बजे और पहुंचे थे कर्णप्रयाग 12:30 बजे, वहीं हमने लंच भी किया था। उसके बाद 12:30 से 6 बज गए हमको यहाँ सारी विलेज पहुंचने में, क्योंकि बीच में जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा रोस्ट थी। कहीं कहीं रोड बहुत अच्छी थी, मैंने आपको दिखा भी रखी है वीडियो में, क्योंकि रोड बहुत अच्छी भी थी, लेकिन मतलब कंडीशन कुछ जॉब ऐसी थी कि हम लोग को आधे आधे घंटे इंतजार करना पड़ा। और मेरी ना आंखें मतलब ऐसी हो गई, वो धूल से भरी हुई थी, बिल्कुल ऐसा हो गया, बिल्कुल चेहरा भी काला हो गया और धूल की वजह से आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई। तो कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट करके जो बताना है। अगर आप डिसलाइक करते हैं मेरे वीडियो को तो डिसलाइक करने में, अगर आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं उसके लिए कमेंट जोड़ लेना है, क्योंकि उसके बाद इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होता है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल सुबह का जो प्लान होगा वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पर दो लोकेशन है, वहाँ पर एक देवरिया ताल की और तुंगनाथ टेम्पल है जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो टेम्पल है, हम दोनों जगह कहीं भी जा सकते हैं। तो उसके बाद देखते हैं कि कल सुबह क्या होगा। अभी के लिए आज के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।